क्या ढूंढ रही हूँ? ब्लैक वाला होगा, देखे? हाँ ये पहन लो, अच्छा लगेगा। निकालो उसको, तब तो दिखेगा। झीली में से निकालो, इधर दिखा, बहुत ही अच्छा है। देख सकते हो ये इयररिंग्स हम लोग थाने गए थे तो वहां से खरीद के लाए थे, बहुत ही प्यारा है। ये मैं पहनने जा रही हूँ। क्या क्या गिरा दी तुम? मेरे बात हो, ये जो टॉप है फ्रेंड्स, ये बहुत पहले का टॉप है, जब मैं पढ़ाई करती थी इंटर क्लास में, तब 11 क्लास में जब मैं कोचिंग करती थी तब का ये टॉप है दीदी। तो मैं कोचिंग भी पढ़ा के पहले जाती थी, अभी बीच में मैंने जींस छोड़ दिया था एकदम। और एक चीज बनने लेती हूँ, टोपी। नजर ना लगे। तो आप देख सकते हैं मेरा लुक अभी चेंज हुआ है, लोग कॉफी हुए हैं क्या, ये पहले क्या पहनती थी ये, तो अब मैं फ्रेंड से पहले से ही पहनती थी थोड़ी सी। देखिए समय के हिसाब से चलना चाहिए, हर इंसान को वैसा ही है, तो मैंने बीच में थोड़ा बहुत छोड़ा था, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है तो मैं अब पहनूंगी। तो प्लीज कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, और बाहर तो बारिश आ रही है, चलिए देखा जाएगा। अगर बारिश आई थोड़ा तेज होगा तो बारिश, नहीं तो जो सेलेक्ट है वही बनाएंगे। तो भैया देख, चला जाए। हाँ देर ना करते हुए छाता ले लेते हैं, क्योंकि मशीन पे, मशीन पे तुम्हें भी काम है छाता का? नहीं छाता, जान दिखाओ। दिखा फ्रेंड्स, जादू देख लीजिए। अरे एक बार और, एक बार और, उधर से उधर से उधर से इधर से घूम के, हाँ तब तो दिखेगा अच्छा से। अरे राखी क्या है दीदी? ये किसी बहना ने राखी दिया है इसको, आप लोग देख सकते हो। वहां से लेके आया है बाहर से, तो चलिए चलते हैं। हे डॉगी, क्यों छोड़ोगी? तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरा लुक, आज मैं थोड़ी सी मतलब खुद से ही अच्छी दिख रही हूँ। दीदी का इयररिंग्स है, ठीक है, और दीदी ने टोपी खरीदवाया है कि सूट करना टोपी पे। और मेरे पास पहले, बहुत पहले टोपी था ना दीदी, तो कौन सा कलर था हम लोग के पास दीदी? एक व्हाइट था और एक रेड भी था, ब्लैक भी था। बहुत पहले जब आप लगाती थी, पहले पढ़ती थी तब, तब दीदी लगाती थी, तब टोपी था उस समय, तो उस समय मैं सूट ही नहीं करती थी। तभी मैं सफेद कलर का था, मतलब कितना अच्छा था, दो साल लगाया है पर दागी लग गया उसमें। हाँ, एकदम सही था लेकिन दागी लग गया, क्योंकि मेरा घर जो है एकदम प्लास्टर वाला नहीं है, पता नहीं कैसे लग गया। नहीं बारिश का पानी आ रहा था ना, बारिश ऊपर से टप 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 पूरा खराब हो गया दीदी का टोपी। और व्हाइट कलर हमको भी खरीद देना आप, ब्लैक कलर खरीदा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मौसम बहुत ही अच्छा है आज का मौसम, बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही अच्छे से शूट किया, गर्मी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। लेकिन हाँ दिक्कत हुई है शूट करने में, दीदी को कैमरा हिल रहा था बार बार, फोन हिल जा रहा था ना दीदी, बहुत ज्यादा हवा था बाप रे। तो बहुत मुश्किल से दीदी ने कैमरा संभाल के मेरा शूट करवाया है।
तो आप लोग इधर का देख सकते हैं पूरा। अभी हम लोग की जो खेती है एकदम सही चल रही है ना दीदी, इस साल धान हो जाएगी इसीलिए थोड़ी सी खुशी मिली। इस साल तो बहुत ज्यादा धान होगा क्योंकि बटहिया भी रोपा गया है, पैसा भी लगा है बहुत ज्यादा ना दीदी। पैसा तो लगा है, तीन बेचा गया पूरा पैसा उसी में लग गया, आज जो भी हम लोग के पास पैसा था वो भी लग गया ना दीदी पूरा खाली। तो आप लोग देख सकते हैं इधर का पूरा पानी पानी लग गया है, पैर स्लिप करा था फिर भी मैंने शूट किया, फिर भी मैंने मेहनत किया है आप लोग देख सकते हो। और मतलब पता है जब जब मैं शूट कर रही थी पहले भी जींस पहनती थी, मेरे पहली बार नहीं पहना है ना दीदी। मैं बचपन से ही पहनती थी जींस, लेकिन वो कहते है ना कि समय के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए, तो वही था। लेकिन मैंने खुद को चेंज नहीं किया है, मैं जींस अभी भी पहनूंगी, मुझे अच्छा लगता है जींस पहनना। तो प्लीज आप लोग गलत कमेंट मत कीजिएगा, कुछ खराबी नहीं है इससे, खराब दिख रहा है दी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हें जींस सूट करता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जींस अच्छा लगता है तुम्हें, जींस ही नहीं कोई भी ड्रेस अच्छा लगता है तुम्हें, साड़ी भी अच्छा लगता है, सूट भी अच्छा लगता है, फ्रॉक भी पहनती हो वो भी अच्छा लगता है, जींस भी खराब नहीं दिखता है, जींस भी अच्छा दिखता है। तो फ्रेंड्स अब बहुत मुश्किल से मैंने शूट किया, बार बार पैर फिसल रहा था ना दीदी, इधर से वहाँ, वहाँ से इधर से वहाँ, बहुत ज्यादा काई है फ्रेंड्स, ये देखिए यहीं पे ना शूट की हो। हाँ, बहुत ज्यादा काई था, कहीं भी साफ नहीं है, आप लोग पूरा नजर घुमा के देख सकते हो, कहीं भी साफ नहीं है, ऐसा नहीं पूरा काई दिखा रही, पूरा छत दिखा देती है दीदी आप लोगों को। उधर लगातार बारिश के कारण ना पूरा पानी जम गया है और यहाँ पानी निकलता नहीं, तो बहुत मुश्किल है ऐसे में शूट करना। और मेरा तो ये फेवरेट बैकग्राउंड है, मैं बीच में यहाँ पर ही शूट करती थी, तो ये तो बिल्कुल ही खराब हो गया, इधर तो पूरा काई हो गया है ना छुटकी। कल जिस दिन मैं ब्लैक वाला साड़ी पहनी थी, जिस दिन मैंने बनाया था गोविंदा सर का सॉन्ग था वो, तो उसी पे मैंने बनाया था, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, बहुत ही स्पेशल सॉन्ग था, बार बार गिर जा रही थी ना दीदी, पैर ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, कैसे भी मैंने वो भी शूट किया है। अभी जहाँ खड़ी होता वहाँ भी देखो का ही है, थोड़ा बच के देखिए कैसे स्लिप कर रहा है, सिर्फ यहाँ साफ है थोड़ा सा, वो भी बीच में वो भी। हाँ, थोड़ा सा तो, हाँ, बीच में वो भी थोड़ा सा साफ है यहाँ पर बीच में, तो साफ यहाँ पर इसलिए है ना कि यहाँ पानी चला गया है। हाँ, तो उधर पानी चला गया है पूरा गिरते गिरते, क्योंकि इधर खाल है इधर ऊंचे। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट में बताइए कि क्यूट सा प्यारा सब लोग आप लोग को कैसा लगा। और आज थोड़ी सी लुक लिया है, मेकअप किया है मैंने, आप लोग देख सकते हो, आप लोग हमेशा बोलते हो ना कि थोड़ा सा मेकअप करो, कत्यायनी मेकअप करो, तो देख लीजिए मेरा लुक। और मैं टोपी थोड़ा सा लगा लेती हूँ, थोड़ा सा ये भी लुक देख लीजिए आप लोग। तो कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, ये क्यूट सा प्यारा सब लोग आप लोगों को कैसा लगा, मेरी जो फेवरेट मेरी क्यूटी प्यूटी डॉगी है, हीरो है हमारा, उसको भी मैंने थोड़ा सा दिखाया आप लोगों को, वो छत पे मतलब आया था आप मुझे देखने के लिए, दीदी को देखने के लिए, कहाँ है सब आए जल्दी से खाना दिखाने के लिए, जैसे ही बारिश आने लगा भाग गया इतना तेज दौड़ के भागता है ना दीदी, अगर उसको भगाओ तो बहुत ही हंसी आता है, क्यूट दिखता है वो। तो देखिए कपड़ा देखिए आप लोग, तो गया कपड़ा पूरा अभी तो डाले हैं। तो फ्रेंड्स दीदी अभी अभी कपड़ा धुल के मैं रेडी हो रही थी, तभी दीदी कपड़ा धुल रही थी, मतलब दीदी मेरी बहुत मेहनत करती है मेरे सूट के लिए। तुम भी तो मेहनत कर रही थी, तुम मेहनत तुम तैयार हो रही थी शूट करने के लिए, रील्स बनाने के लिए। मैं मौसम खराब था इसलिए मैं सुबह में ही शूट करती हूँ ना दीदी, शाम को मेरा शूट होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा शाम को, एकदम धोखा दे देगा मेरा फोन मौसम, तो इसीलिए मैं सुबह में ही चाहती हूँ, मतलब मेरा कोशिश रहता है कि सुबह में निकल जाए मेरा शूट कैसे भी। तो फ्रेंड्स प्लीज कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। छुटकी तुम्हारे पीछे का बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है, एकदम हरा हरा। हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब हरा दिख रहा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, तुम खड़ी हो तो पीछे का आ जाएगा, अभी ट्राई किया जाएगा साफ भी आ रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है ना कि बनाया गया है उसको, जैसे नहीं बनाया जाता है, पेंटिंग किया जाता है। इधर ही खेत है हम लोग का, मेरा ही मतलब ये चावड़ा बोलते हैं हम लोग, चावड़ा बोलते हैं अपने भाषा में तो इधर हम लोग का भी खेत है, बटैया भी खेत है, अपना भी खेत है, कुछ का सपना भी खेत बचा हुआ है। तो इधर का दीदी बोल रही है बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो देखा जाएगा शाम को अगर बारिश आएगा, तो मैंने सोचा है कि बारिश
अच्छा आएगा। तो बारिश वाला सॉन्ग हुई अच्छा सा, मतलब लग रहा है ना देखने से, जैसे तुम खड़ी हो तो देखने से लग रहा है कि पेंटिंग किया हुआ है तुम्हारे पीछे, जब ध्यान से देखने पर लग रहा है कि नहीं ये खेत है, मतलब ऐसे रियल में खेत है। तो अब मुझे भी अच्छा लगता है बैकग्राउंड में, इसीलिए तो मैं लड़ लड़ के हम लोग जाते हैं ना दीदी, कैसे भी तो बना ही लेते हैं चोट। तो मतलब अगर इन लोग का बस चले ना तो ये लोग हमको घर में भी ना बना देते, तो इन लोगों से लड़के ही बनाना पड़ता है मुझे, मैं लड़ लड़ के बनाती हूँ, बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स बनाना। आप लोग सोचते हो ना कि बाहर जा जाकर बना लेती है कभी कभी, तो बोलती है कि मैं बाहर नहीं बना पाती हूँ, बनाने नहीं दे रहे हैं। तो मैं जितना भी मेरा बाहर वाला वीडियो है ना, वो मैंने आज जल्दी जल्दी में बनाया है, ना रिहर्सल कुछ भी नहीं, बस जल्दी से कैसे भी बना लो, एक बार में बना लेना है, क्योंकि आप एक बार में बन ही जाता है फिर भी उन लोगों से झगड़ा हो जाता है ऐसे ही। मतलब आप लोग सोच सकते हो मैं तो शूट करने जाई हूँ फिर भी मुझसे क्यों झगड़ा हो जाता है लोगों से, मतलब मुझसे लोग झगड़ा कर लेते हैं, तो मेरी दीदी झगड़ा करती है क्योंकि दीदी को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि वो देखती है कि मैं कितना मेहनत करती हूँ, फिर भी लोग मजाक उड़ाए, फिर भी कुछ लोग गलत बोले तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत कम ही बाहर जाती हूँ अपने दीदी की वजह से, कि वो सब झगड़ा करेगा तो मैं तो चुपचाप चली भी आऊँ, ये चुपचाप नहीं आएंगी, पूरा उन लोगों को जो भी है अच्छे से बता के ही आती, राशन पानी राशन पानी मतलब बिहारी भाषा में बोले तो राशन पानी देकर ही आती। बहुत सारी चीजें जो कि मैंने छोड़ दिया था या अभी मैं अपना रही हूँ वो भी फोर्स करने पर। दीदी बोल रही थी बहुत दिन से कि आप जींस खरीद ली, आप अच्छा खासा फैन फॉलोइंग हो गई बा यूट्यूब पर, इतना अच्छा खासा तो फैन फॉलोइंग बा मेरे यूट्यूब पर, अच्छा खासा सही चलता, तो जींस क्या छोड़े बारे, आज कल जनरेशन में देखिए तो पूरा लड़की जींस पहनता है सर, अच्छा से जीता रही सर, सिर्फ सूट सलवार नहीं चलता है अगर जिस फील्ड में मैं जाना चाहती हूँ। तो इसीलिए जोर जबरदस्ती पे ये पिंक कलर का इनका फेवरेट कलर है पिंक कलर का, तो उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इन्होंने ही खरीदा है, मेरा पास चले तो कोई और कलर खरीद लूँ मैं, लेकिन इनका फेवरेट कलर है तो ये खरीदी थी, ये भी यही ने इन्होंने ही खरीदा है। मेरे पास रेड कलर का एक शर्ट है जो कि मैं कोचिंग करती थी तब पहनती थी, तो मैंने उसको भी रख दिया था, और ये नेवी ब्लू है ना दीदी, और एक बाजू वाला है फूल वाला वो भी है। मैंने पूरे ड्रेसेस जो है मैंने रख दिया, तीन चार और मेरे पास स्टॉक होगा ना दीदी, तो मैंने रख दिया था, पुराना हो गया है नया नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे लिए नया है, तो उसको मैंने निकाल दिया है, मम्मी और दीदी ने सुबह ही निकाल दिया है सबके, पान पान के वीडियो बनाना था। एक ये है टॉप देख सकते हैं आप लोग, इसको मैंने ज्यादा नहीं पहना है ना दीदी, दो तीन बार पहना, दो तीन बार पहना है घर पे, और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया, रख दिया इसको कि अब आगे जब नसीब में लिखा होगा, मैंने सोच लिया था कि अच्छा होगा सब कुछ, मतलब भगवान उस लायक थोड़े से बना देंगे कि आदमी लड़ सके किसी से, हम लड़ सके कुछ बोल सके, तो मैं पहनूंगी नहीं तो छोड़ दूंगी। तो आप लोग बता, बहुत फोर्स करने पर ये मैंने पहना है। तो जाते जाते मैं पूछ लेती हूँ दीदी से कैसे लग रही हूँ मैं, बता दीजिए। बहुत ही प्यारी लग रही है तो फ्रेंड्स अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस देखिए पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आप लोग हो तो हम लोग हैं, आप लोग नहीं तो मतलब हमारी तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो भी क्रेडिट है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है फ्रेंड्स, मैं सब कुछ आप लोगों को, अपनी फैमिली को, और सबसे पहले जिन्होंने जन्म दिया है हमें, जिन्होंने ये पूरी दुनिया बनाया है, उनके बिना तो पूरा एकदम खाली खाली है सब कुछ। तो थैंक यू सो मच भगवान से मुझे ये टैलेंट देने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट, इतना प्यारा फैमिली, और इतनी प्यारी जो यूट्यूब फैमिली है, इंस्टा फैमिली है, इतने प्यारे प्यारे लोग देने के लिए, जो लोग मुझे समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इतना सपोर्ट, इतना प्यार के लिए, प्लीज प्लीज अपना प्यार आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।